Assalamualaikum viewers, welcome to Study PK. In this video lecture, I am going to discuss about the Provincial Management Service paper. ये जनरल नॉलेज का पेपर है जो कि 2019 में हुआ है. So without wasting any time, शुरू करते हैं आज का lecture. My name is Mohammad Aajam. So first question is, who was the first Governor General of the State Bank of Pakistan? So इसका जो right answer है वो जाहिद हुसैन है. ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे. तो सेकंड पर थे वो अब्दुल कादिर थे. सो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो करंट गवर्नर जनरल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कौन है. अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. सो नेक्स्ट इज़ दी कुर्त वल्धीम वाज एन ऑस्ट्रियन डिप्लोमेट एंड स्टेट्समैन हु सर्व 2 टर्म्स एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ है, फोर्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. सो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इनके ऊपर एक ना एक सवाल आदमी पूछा जाता है. आपको पता होना चाहिए कि इनका नंबर कौन सा है और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. इसके बारे में कुछ ना कुछ लाजमी पूछा जाता है हर दफ़ा पेपर में. सो ये लिस्ट है इनकी. जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे वो ट्रिग्वे ली थे, ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे. जो सेकेंड पे थे वो डैग हैमरस्कॉल्ड, ये स्वीडन से बिलोंग करते थे. जो थर्ड नंबर पे थे वो यू थैंट, ये बर्मा से बिलोंग करते थे. और ये फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल थे. यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल थे. और ये बर्मा जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं ये इस कंट्री से बिलोंग करते थे. सो जो नेक्स्ट है वो कुर्त वल्धीम, इनके बारे में पूछा गया था. ये फोर्थ सेक्रेटरी जनरल है और ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे. सो ये बाकी ये नेक्स्ट जो हैं आप इन्हें देख लीजिएगा. जो अभी करंट हैं वो एंटोनियो गुतेरेस, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं. सो नेक्स्ट इज़ द जनरल असम्बली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल सेलेक्ट द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. यहाँ पे मिस्टेक होगी, जस्टिस फॉर द पीरियड ऑफ 9 years. द इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस इज कंप्राउज ऑफ हाउ मेनी जजेस. सो इसका जो राइट आंसर है वो 15 जजेस होते हैं टोटल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के. ये यूनाइटेड नेशंस का ही ऑर्गन है. टोटल 6 ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, इसमें से ये एक ऑर्गन ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इसका हेडक्वार्टर द हॉग नीदरलैंड्स में है, जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं. ये इसकी पिक्चर है. सो इसमें 2 क्वेश्चन मार रहे हैं. एक तो ये 15 जजेस होते हैं, उसको सिलेक्ट कौन करता है? जनरल असम्बली एंड सिक्योरिटी काउंसिल सिलेक्ट द जजेस. इसके अलावा एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि ये 9 years के लिए सिलेक्ट होते हैं एज अ जजेस. सो नेक्स्ट इज दी हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क. सार्क इज द रीजनल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन. इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो एच ई सेला रोमन वेरा कौन, ये इसका नाम है. ये अभी करंट सेक्रेटरी जनरल है. सो इन्होंने 1 मार्च 2020 से ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि 3 साल के लिए रहेंगे. सो नेक्स्ट इज दी किर्थर रेंज इज़ अ माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान एक्सटेंडेड अबाउट 190 माइल्स इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान डज द रेंज इज लार्जेस्ट पोर्शन साइड. तो इसका जो राइट आंसर है वो बलोचिस्तान में. ये सिंध में भी आती है और बलोचिस्तान में भी होती है. जो ज़्यादा इसका पोर्शन है वो बलोचिस्तान में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ When Balochistan was given the status of Pakistan. इसका राइट आंसर 1970 है. 1970 में इन्हें दिया गया था प्रोविंस का स्टेटस. सो when Balochistan was given the status of province of Pakistan यहाँ पे आएगा. सो 1970 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज दी व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कराक्रम हाईवे 810 माइल. इसका राइट आंसर है या 1300 किलोमीटर. सो ये इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट इज दी हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पेनल्टीमेट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया. उसका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड वेवल है. पेनल्टीमेट का मतलब होता है कि जो लास्ट से पहले वाला कौन सा जो वायसराय था, तो लॉर्ड वेवल इसका राइट आंसर है. जो लास्ट पे थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Jinnah Pakistan and Islamic Identity The Search for Saladin, the book based on conversation and interviews of those who were close to Jinnah. Who wrote this book? तो इसका राइट आंसर है अकबर एस अहमद. अकबर एस अहमद ने ये लिखी थी। नेक्स्ट इज दी ताज महल वाज बिल्ट बाय शाहजहां तो immortalize his wife मुमताज महल। इट्स कंस्ट्रक्शन स्पैन 22 years when was the project commenced? तो इसका जो राइट आंसर है 1632 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज दी हाउ मेनी लेयर्स डज अर्थ एटमोसफेयर हैव सो जो बुक में आंसर दिया हुआ था वो 4 है, हालांकि टोटल 5 लेयर्स होती हैं जिसमें टोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है एंड थर्मोस्फेयर है और जो लास्ट वन होती है वो एक्सोस्फेयर होती है। सो मे बी 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ दी लेस देन 1% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फ्रेश वाटर बट द ओशन कंटेन्स डैश परसेंट अर्थ वाटर सो 97% इसका राइट आंसर है 97%। Who among the following is the current president of Azad and Jammu Kashmir? इसका right answer है मसूद खान। He is the current president of Azad and Jammu Kashmir. Next is the Katas Raj temples are a revered Hindu temples in Pakistan. In which district the temple reside? So ये temple है, ये चकवाल district में है। Next is the Nawab Malik Amr Muhammad Khan, also known as Nawab of Kalabagh, was governor of West Pakistan in 1960. He was from Mianwali. Mianwali इसका right answer है। Next question is Attak Fort was built during the reign of which Mughal emperor? इसका जो right answer है वो अकबर है। अकबर के दौर में ये बना था under the supervision of Shamsuddin Khwafi। Shamsuddin Khwafi उसका नाम था जिसके supervision में ये बना था और ये कंप्लीट हुआ था 1581 से 1583 तक। सो 1581 से 1583 तक ये कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट इज दी बिट इज आल्सो कॉल्ड बाइनरी डिजिट, ये इसका राइट आंसर है जिसको हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज दी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2018? सो इसका जो राइट आंसर है वो 5.8% है। अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर 2020 के मुताबिक जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का वो 2.3%। नेक्स्ट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन ट्रेसेस ऑफ सेलेनियम? तो इसका जो राइट आंसर है वो विटामिन ई है। नेक्स्ट इज दी प्रोम चिप्स आर प्रोग्राम्ड बाय प्लगिंग दैम इनटू द प्रोम प्रोग्रामर। प्रोम प्रोग्रामर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Indus River System Authority was established for regulating and monitoring the distribution of water sources of Indus rivers. It was established in 1992, 6 December 1992 में ये established हुई थी। Next question is Sindh Sagar Doab is one of the 5 major doabs of the Punjab province. It is the tract of land between which of the following rivers? So इसका जो right answer है वो Indus and Jhelum है। Indus and Jhelum is the right answer. Next one is the who is the current chief of air staff? जो current अभी chief air staff हैं वो ज़हीर अहमद बाबर सिंधु is the current chief of air staff since 19th March 2021. Next question is International Mother Language Day is celebrated on 21 February. 21 Feb is the right answer. Next question is who among the which among the given option is the capital of Kazakhstan? So Astana is the capital of the Kazakhstan, but it was changed into Nur Sultan on 20th March 2019 by the presidential decree of the Republic of Kazakhstan. The city of Astana was renamed to the city of the Nur Sultan. So अभी जो उसका current name है वो Nur Sultan है। So जो previous name था वो Astana है। Next one is the Shanghai Cooperation Organization was established in 1996 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। पाकिस्तान और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है 9 जून 2017 में ज्वाइन किया है पाकिस्तान को, इससे पहले जो इसका ऑब्जर्विंग मेंबर था। नेक्स्ट वन इज दी अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश बाय IMF पाकिस्तान हैज़ बीन रैंक्ड इन द वर्ल्ड अमंग कंट्री फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज। सो थर्ड नंबर पर पाकिस्तान इस रैंक था among the country which were facing the acute water shortage. Next question is a mechanical stopwatch can measure a time interval up to a मिनिमम सेकंड्स 0.1 सेकंड. ये इसका राइट आंसर है 0.1 सेकंड्स. नेक्स्ट वन इज द व्हेन इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी डिड पाकिस्तान डिफीट इंडिया. सो 18th जून इज द राइट आंसर. 18 जून में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following defines the event of supernova? So exploding star is the right answer. So which defines the event of supernova? Next one is the king of pop, Michael Jackson, was an American singer and songwriter. He died in June 2009. 25th June 2009 में इनकी death हुई थी. 25th June 2009. Next one is the who among the following is known as the poet of beauty. So इसका जो right answer है वो John Keats है. Next one is the in mathematics a solution to an equation that emerges from the process of solving the problem but is not a valid solution to the problem is called the extraneous solution. Extraneous solution से कहते हैं. Next one is the number of elements in power set 1, 2, 3 is. So इसका जो फार्मूला है इसका राइट आंसर 8 है. 2 की पावर n इसका फार्मूला है. तो उसको इसमें कितने सेट हैं सब सेट हैं 3 हैं. 2 की पावर 3 इसका जो राइट आंसर आएगा वो 8 आएगा. नेक्स्ट वन इज दी हाउ मैनी सब सेट डज एन एम्प्टी सब सेट हैव. सो 1 इसका राइट आंसर है. 2 की पावर अगर 0 कहेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा. Next one is the when a triangle has two congruent sides it is called isosceles. Isosceles से कहते हैं इस triangle को. Next one is the dash is equal to sum of all the values in the data divided by the number of values in the data. तो इसे mean कहते हैं. The mean is equal to sum of all the values in the data divided by the number of values in the data. So next question is A is a representation of a frequency distribution by means of rectangles whose width represent class intervals and whose areas are proportional to the corresponding frequency. So इसका जो right answer है वो histogram है. Histogram is the right answer. Next one is the which instrument is suitable to measure the internal diameter of the test tube. So इसका जो right answer है वो वर्नियर कैलिपर है. Next question is crude oil is heated in the furnace up to how much Celsius? So 400 Celsius is the right answer. 400 Celsius. Next one is the SCR, smooth endoplasmic reticulum, is involved in the synthesis and storage of the lipids. Lipids is the right answer. Next question is World Food Program, an organization of the UN, was created at the behest of Dwight Eisenhower. Yes, the right answer. Dwight Eisenhower. Next one is the CBA, a concept of social solidarity with an emphasis on unity was given by Ibn Khaldun. Yes, इसका right answer है. Next one is the Muhammad Ibn Zakaria Al Razi was a polymath physician, alchemist and philosopher from which country? So इसका जो right answer है वो ईरान है. Next question is Al Qanun fi At-Tib is an encyclopedia in 5 books of medicine in 5 books written by Avicenna. Avicenna is the right answer. Next one is the who among the following discovered the sun's force. So Galileo. Yes, the right answer. He discovered the sun's force. Next one is the which city was hit by earthquake of 1935. So इसका जो right answer है वो बेटा है. ये क्वेश्चंस काफी दफा पेपर्स में रिपीट हुआ है. नेक्स्ट वन इज दी इन विच कंट्री डज द टोरा ग्लेशियर्स वाइज. सो पाकिस्तान में ये लोकेटेड है ग्लेशियर्स. नेक्स्ट वन इज दी विच प्रोविंस अमंग द फॉलोइंग हैज उच्च गैस फील्ड. सो बलोचिस्तान इसका राइट आंसर है. बलोचिस्तान इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज दी हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया. सो टोटल 48 कंट्रीज है एशिया में. 48 countries. Next one is the a horse run around a ground twice and covers a distance of 8 km. So one side of square ground is 1 km. So square में कितने होते हैं 4 sided होते हैं. तो 2 दफा हमने ग्राउंड का चक्कर लगाया तो उसको डिवाइड करेंगे 8 को 2 से, तो 4 किलोमीटर। सो एक साइड कितने किलोमीटर की? 1 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज दी विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड बाय फोकल स्पेक्टेकल एंड लाइटरिंग रॉड्स ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका राइट आंसर है ही डिस्कवर द लाइटरिंग रॉड। नेक्स्ट वन इज दी Which gas field among the following is the second largest gas field in Pakistan, which is being operated by OCGDL? So Qadirpur gas field is the right answer. Qadirpur gas field. Next one is the Mars, neighbor of Earth, has how many natural satellites? So 2 satellites हैं Mars में. Next one is the सबसे ज़्यादा जो satellites हैं वो Jupiter के हैं, 62 हैं total. सो मार्स के 2 हैं, अर्थ का 1 है। इसी तरह आगे आपको पता होना चाहिए कि हर प्लैनेट के कितने टोटल सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट वन इज दी मैक्स प्लांक वॉन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1980 फॉर द डिस्कवरी ऑफ द एनर्जी क्वांटम। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज दी विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। सो रेन गेज इसका राइट आंसर है। सो अभी करंटली यहाँ पे भी रेन हो रही है। सो रेन गेज इज मेजर दी लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज दी पार्सिक इज द यूनिट यूज टू मेजर डिस्टेंस। पार्सिक इज द यूनिट यूज टू मेजर डिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज दी सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन मून कॉमेट बिटवीन सन एंड अर्थ। जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान में होता है तब सोलर एक्लिप्स अकर्स होता है। नेक्स्ट वन इज दी अ कैमरा यूजेस कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एन इमेज विच इज़ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ये इसका राइट आंसर है विच इज़ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। इसी तरह जो कार्स हैं उसमें जो लेंस यूज होता है वो भी कन्वेक्स होता है। नेक्स्ट वन इज दी क्वेश्चन इज व्हेन NaHCO is heated, it produces the which gases? So CO2, carbon dioxide, produces the carbon dioxide. Next one is the stroma found in the epidermis layers of the leaves closes when guard cell loses the water. So इसका right answer है lose water when guard cell lose water. So epidermis of the leaves closes. Next one is the iron and state structures are damaged by which gas? So sulfur dioxide. SO2 ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज काज्ड बाय विच डिजीज? सो हेपेटाइटिस इसका राइट आंसर है। सो इसमें इन्फ्लामेशन लीवर हो जाती है। सिरोसिस ये 2020 का पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सिरोसिस कौन सी डिजीज़ है, तो ये भी एक लीवर डिजीज़ है, इसमें स्कैरिंग ऑफ द लीवर हो जाती है। सो हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस बोथ आर द लीवर डिजीज। Next one is the Paris Climate Agreement was adopted in which year? So 2015. ये इसका right answer है। Next question is the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), also known as Rio Summit, was held in which year? So 1992. ये इसका right answer है 1992. What is the speed of sound in air? So इसका जो right answer है वो 1235 km/h. ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज द एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन इसका राइट आंसर है। एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? सो 120 डेज ये इसका राइट आंसर है। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज 120 डेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन यहाँ पर आएगा ब्रेन 73% होती है वाटर की ब्रेन में। नेक्स्ट वन इज दी इन ऑर्डर टू मेक नाइट्रोजन अवेलेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स इन इकोसिस्टम इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अमोनिया में कन्वर्ट होता है। सो राइट आंसर अमोनिया है। नेक्स्ट वन इज दी पार्थिनोकार्पी इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विच मेक्स द फ्रूट सीडलेस। ये इसका राइट आंसर है। Next one is the World Day to Combat Desertification and Drought is the United Nations किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? So 17th June is the right answer. Next one is the a normal CD-ROM usually can store data up to how many MPs? So total 680 MPs. That's the right answer. Next one is the dengue is caused by which type of mosquito? So Aedes is the right answer. Next one is the which tube among the following joins kidney and bladder? Ureter is the right answer. Joins the kidneys and bladder. Next one is the Edward Jenner successfully developed the world first vaccine in which year? So 1796 में इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड की थी. Next one is the pancreatic juice which helps in digestion is secreted into the duodenium. Duodenium इसका right answer है. Next one is the who among the following transmitted first radio signal through air? So Marconi. Marconi इसका right answer है. Next question is high tech exports of Pakistan stands at. So currently जो latest data है वो 2019 का मिला है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की high tech export है वो 2.3% है. Next one is the who among the following prime ministers of Pakistan secured to other from Oman? Faroz Khan Noon, ये इसका right answer है. Faroz Khan Noon in 1958 में इन्होंने ये सिक्योर किया था ग्वादर को अमान से. नेक्स्ट वन इज दी विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इज प्रेजेंट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट वन इज दी यीस्ट इज एसेंशियल इन मेकिंग ऑफ ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. So yeast is essential in making of bread because it produces carbon dioxide through the process of the fermentation. Next one is the Kartarpur corridor links Gurudwara to India. So Darbar Sahib connects the links the Gurudwara to India. Next one is the Pakistan Pin Alma Ala Signatory in 1978 launched the National Program for Family Planning and Primary Health in which year? So 1994 is the right answer. Next one is the after fertilization a fruit develops from which part of the body? Plant. So ovary is the right answer. Ovary is the right answer. Next one is the which disease is caused by the deficiency of vitamin D? So rickets is the right answer. Scurvy होती है vitamin C की वजह से, night blindness होती है vitamin A की वजह से, और जो रिकेट्स होती है वो विटामिन डी की वजह से होती है, बच्चों में होती है. और जो ऑस्टियोमलेशिया होती है वो, या जो अडल्ट हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया होती है, वो भी डेफिशिएंसी विटामिन डी की वजह से होती है. सो रिकेट्स इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट फॉमाइन हिट एथोपिया इन 1983. सो 1983 इसका राइट आंसर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1. सो 2:1 के रेशियो से triangle cut each other. Next one is the who among the following was the longest serving chairman of the Senate? Waseem Sajjad. Yes, correct answer. Waseem Sajjad is the longest serving chairman of the Senate. So next question is who which among the following is responsible for the clotting of the blood? So platelets is the right answer. It helps in the clotting of the blood. इसके अलावा एक vitamin K है, वो भी हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. नेक्स्ट इज द मैस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेविंग. चेविंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉरी मैस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द चेविंग. नेक्स्ट इज द एट विच टेम्परेचर डज बैक्टीरिया डाई? सो 102 फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर है. इस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया डाइज. नेक्स्ट वन इज सी व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्सी हेमोग्लोबिन? सो ब्राइट रेड कलर होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन का, ब्राइट रेड इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट वन इज दी पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू स्टमक इन पेप्सन. पेप्सन में कन्वर्ट होता है, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू स्टमक इन पेप्सन. नेक्स्ट वन इज दी लिटरेसी रेट इन क्रिश्चियन वर्ल्ड इज 100% कंपेयर टू द लिटरेसी रेट इन मुस्लिम वर्ल्ड. सो इसका जो राइट आंसर है वो नन ऑफ दीज है. इसका आंसर आपको पता है तो बताइएगा. आई थिंक 70% है शायद, बट आई एम नॉट कंफर्म. नेक्स्ट इज दी पॉपुलेशन पाकिस्तान पॉपुलेशन व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन? 2.8% इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट वन इज दी सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज अराउंड 40,075 kilometers. ये इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट वन इज द इंडियन रेलवे स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन विच ईयर, सो 1853 इसका राइट आंसर है 1853. सो लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सो खलीलुल्लाह इज द टाइटल ऑफ द हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम.